हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप न्यू कमर हैं मेकअप में तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है एयरब्रश मेकअप। एयरब्रश मेकअप करने से पहले मैं आपको एयरब्रश के बारे में सारी डिटेल्स पे बता देती हूँ। आज की जो सी वीडियो होगी वो होगी पूरी नॉलेज होगी आपकी एयरब्रश मेकअप पे कि एयरब्रश मेकअप कितने तरह के होते हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एयरब्रश मेकअप। एयरब्रश मेकअप टेक्निक वो टेक्निक है जिसके अंदर इस मेकअप के अंदर हम ना ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ना ही ब्रश यूज़ करते हैं, ना ही अपने हाथ यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें मशीन चाहिए होती है जिससे एयर कम प्रेशर से जो एयर बनती है, और उसके गन होती है। गन में हम अपना लिक्विड फाउंडेशन डालते हैं और ये सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होता है जो हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ एयरब्रश मेकअप जो है, एयरब्रश वो सिर्फ मेकअप में यूज़ नहीं होता, ये काफ़ी इंडस्ट्री होता है। एयरब्रश जो होता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे आप फूड इंडस्ट्री देख सकते हैं, उसके अंदर भी एयरब्रश यूज़ होता है। आप नेल आर्ट में देखना चाहें तो नेल आर्ट में भी एयरब्रश यूज़ होता है। आप कार्स में चले जाएं, कार में जो पेंट होता है उसमें भी एयरब्रश चाहिए होता है। तो सिर्फ हम ये कहना बोलें कि सिर्फ जो एयरब्रश है वो सिर्फ मेकअप के लिए होता है, ये अलग अलग इंडस्ट्री यूज़ करती है, लेकिन उनके अलग डिफरेंट तरीके होते हैं। तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो मेकअप की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसकी टेक्निक बता दिया है। एयरब्रश जो मेकअप हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो मेकअप होता है वो एयर प्रेशर की उससे हमारे स्किन पे अप्लाई होता है। तो इसके लिए जो उनसे फाउंडेशन होते हैं वो अलग होते हैं। मैं आपको फाउंडेशन दिखा देती हूँ। इसके यूज़ होते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन यूज़ होते हैं जो हमें इस तरह मिलते हैं, और इसका जो एक प्राइस होता है काफ़ी चार्ज किया जाता है। इसके अंदर आप ब्लशर, ये देखिए, इस तरह की बॉटल्स होती हैं जो आपको गन में डालनी होती है, और ये लिक्विड बेस होता है और हमारे फेस पे ये अप्लाई हो जाता है गन से, उसके प्रेशर से। तो जो एयरब्रश मेकअप होता है, आप फुल एयरब्रश मेकअप भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए अंदर आपको सारा जो सा प्रोडक्ट्स है वो आपको लिक्विड बेस ही यूज करना होगा। इवन आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग स्टेंसिल्स आती हैं जो आपको अप्लाई करना होता है। और एक होता है कि आप कई मेकअप आर्टिस्ट आपने देखा होगा वो सिर्फ अपने हाथ से पूरा बेस अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद एयरब्रश ऊपर से ही वो देते हैं। तो ये हाफ एयरब्रश होता है कि आपने जो अपना बेस है वो आपने पहले जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं आपने उसे यूज़ कर लिया, और उसके बाद ऊपर फिनिशिंग के लिए आप एयरब्रश यूज़ करते हैं। एयरब्रश ज़्यादातर दिल्ली में यूज़ होता है, बॉम्बे में भी है लेकिन वो इतना नहीं, लेकिन दिल्ली में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। एयर जो ब्रश मेकअप और जो हम रेगुलर मेकअप जो करवाते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो एयरब्रश में हमारे फेस पे फाउंडेशन जो अप्लाई होती है वो बड़ी बहुत थिन लेयर होती है, और जो हम रेगुलर करते हैं उसकी जो लेयर होती है थोड़ी सी थिक होती है। बस ये डिफरेंस है, बाकी इसमें शाइन भी अच्छी आती है, दोनों में ही अच्छी आती है और लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर आप एयरब्रश मेकअप कर रहे हैं तो सिर्फ प्रेपरेशन स्किन को करना बहुत जरूरी है। सेम वही होगा कि आपको प्राइमर, टोनर, मॉइस्चराइजिंग प्राइमेंट, ये आपको तीनों ही अप्लाई करने होंगे, उसके बाद एयरब्रश से मेकअप कर सकते हो। इसमें कंसीलर, करेक्टर, ब्लशर, कंटूर, लिपस्टिक, लाइनर, आई शेडो, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर अगर मुझसे पूछा जाए तो फेस के अकॉर्डिंग मुझे बॉडी पे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जैसे फिल्म स्टार हो गए हैं फेस पे तो वो नॉर्मल ही मेकअप करवाते हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी के आते हैं तब आप एयरब्रश ही वो परफेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी पे आप पूरी स्किन पे डेप्थ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एयरब्रश ही अच्छा रहता है। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये थिन लेयर फाउंडेशन होती है, और इसके जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होती है, सिलिकॉन बेस्ड वो फाउंडेशन होती है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा मेकअप करवाए, डे मेकअप, नाइट मेकअप, लाइट, हैवी, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसे किसी तरह का भी मेकअप करवा सकते हैं। इसको करने के लिए आपको स्किन से 6 इंचेस का गैप होना जरूरी है, तभी जो एयर है वो हमारे फेस पे इक्वल आएगी। अगर आपने एक जगह पे प्रेशर ज्यादा दे दिया है तो उससे क्या होता है, पैचेस बन जाते हैं। हम जो नॉर्मल मेकअप करते हैं हैंड से आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जब एयरब्रश से आपका फाउंडेशन निकलती है उसका एक प्रेशर होता है, अगर वो एक जगह पे आपने ज्यादा देर स्टे कर दिया एयरब्रश मेकअप को, तो क्या वहां पे आपके अलग अलग धब्बे से बन जाते हैं जिसे आप कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नजर आते हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आता है। काफी सारी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, टेम्टू है, इवाटा है, क्राइलोन का भी है,
C2P का भी एयरब्रश आया है और कॉस्मोस भी है, तो वो आपके पॉकेट पे अलाउड करता है, पॉकेट पे अलाउड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एयरब्रश पे। तो मेरे पास इवाटा और टेम्पू दोनों हैं, तो मैं दोनों को आपको दिखा देती हूँ। ये इवाटा की एयरब्रश मशीन है, ये इसका कंप्रेशर्स है और इसके साथ आपको एक चार्जर देते हैं। ये चार्जर आपको लगाना पड़ता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेशर्स जो होता है ये एक्टिव होता है, और जब ये जनरेट होता है तो ये इसके साथ यहाँ पे हमें एक गन दी जाती है। ये इसकी गन है और यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे हम जो एयर आती है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और ये कप है, ये कप इसमें दो मिलते हैं, एक छोटा मिलता है एक बड़ा मिलता है। फाउंडेशन के लिए आप ये वाला अप्लाई करेंगे, और इसके बीच में मैंने आपको बताया है कि ये वाली लिक्विड फाउंडेशन यूज होती है सिलिकॉन बेस्ड। आप इसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप बहुत है आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए, तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। और इसको हमने जब पीछे करना होता है तो इसके आगे फिंगर रख के और इसको प्रेस करके पीछे करेंगे तो क्या होगा, जब आपने इसके बीच में अगर 2 फाउंडेशन डाली हुई है तो वो मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद इसका सेम प्रोसीजर यही है, आपने इसको यहाँ से प्रेस करना है और पीछे लेके जाना है। आप जितना पीछे लेके जाएंगे जो इसकी एयर है वो उतनी ही तेजी से निकलेगी। और अप्लाई करने से पहले, जब फेस पे हो जब बॉडी पे हो कहीं पे अप्लाई करने से पहले इसकी जो इंचेस है वो आपको याद रखना है कि अगर आप इसको ज्यादा पास से हम एयर ब्रश फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो खराब हो जाएगा, और जितना इसका दूर होगा उतना अच्छा होगा। और हमने इसको ज्यादा दूर भी नहीं रखना है क्योंकि जो एयर हमारे इसमें से फाउंडेशन की जो निकलेगी वो बाहर एक्स्ट्रा निकल जाएगी। तो ये तो थी जोनसा, ये वाला था, ये था इवाटा का। अब मैं आपको टेम्पू का बता देती हूँ। ये टेम्पू का है और इसके अंदर जो है ये काफी, इसको हम चार्ज कर सकते हैं और ये बहुत इजी से केयर होता है, मतलब कि आप इसको हम चार्ज करके अप्लाई करेंगे। इसके आगे गन आती है, हमें गन लगानी है, मैं आपको गन दिखाती हूँ इसकी। ये इसका कंप्रेशर है और इसको चार्ज करना होता है जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। इसके साथ चार्जर आपको दिया जाता है, यहाँ से आप इसको हटाएंगे और यहाँ पे आप चार्जर लगाएंगे। आप इसको 1 घंटा का चार्ज आपके लिए इनफ है तो आप इसका कर सकते हैं। ये बहुत ईजी रहता है कहीं पे भी, अगर आप कहीं जा रहे हैं मेकअप करने के लिए तो ये आराम से आपके बैग में कैरी हो जाता है, तो इसमें ज्यादा जगह भी नहीं गिरती है, आप घर से ही इसको चार्ज करके लेके जाइए। और ये इसकी गन है, गन मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये टेम्पू की गन है, इसको हमने अगर अप्लाई करना है तो हमने यहाँ से इसको अलग करना होगा, और अलग करने के बाद इसको कंप्रेशर जो सी मशीन है इसके अंदर हमें इसको ऐसे फिट करना होगा, तो ये हमारी फिट हो गई। और इसके अंदर अगर हमने फाउंडेशन अप्लाई करना है तो ये जो एरिया दिया हुआ है हमने यहाँ पे, ये जो एरिया दिया हुआ है हमने यहाँ पे फाउंडेशन डालना है, सेम इसका प्रोसेस है। अगर आपके पास कुछ टूथपिक हो आप उससे मिक्स कर सकते हैं फाउंडेशन, अदरवाइज इसका भी सेम है कि आप पीछे करके करेंगे तो इसके अंदर जो मिक्सिंग हो जाएगी फाउंडेशन की। और इसका भी प्रोसेसर सेम है, आपको हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करना है और जो आपको फेस पे अप्लाई करना है वो 6 इंचेस के गैप पे देना है। इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया पे हमें कितने इंचेस देने हैं, ब्लशर पे हमें कितने इंच देने हैं, हाइलाइटर पे आपको कितने इंच देने हैं, सब इस पे कितने इंचेस देने हैं और बेस पे कितने इंचेस पे हमें इसको रख के करना होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत होती है तभी आपको पता चल पाएगा कि इसको मिक्स कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि इससे आप सिर्फ मेकअप ही अप्लाई करें, आप इससे टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे टोनर डालेंगे और इससे अप्लाई करेंगे, और इस अगर आपने मेकअप कर लिया है तो इसको उसी वक्त क्लीन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। और वो आपके पॉकेट पे है कि आप कौन सी मशीन खरीदना चाहें। जो उनसे ये टेम्पू है ये 35,000 की आती है, और इवाटा भी सेम है 34-33, और अगर आप कॉस्मोस लेना चाहें वो 8,500 में आ जाएगी। में काफ़ी सारी मशीन है, आप कोई भी अप्लाई करना चाहें। जो सस्ती मशीनें होती हैं उसका यही होता है कि वो आगे जाके ख़राब हो जाएगी, उसमें से जो एयर आती है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती, वो बीच बीच में से रुक के आएगी। अगर वो रुक के आएगी तो आपका जो मेकअप है वो ख़राब हो सकता है, तो आप अच्छी कंपनी की लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आप कॉस्मोस की ले सकते हैं, वो मशीन बहुत अच्छी है। अगर आप टेम्पू नहीं लेना चाहें तो मुझे तो पर्सनली जो पसंद है वो टेम्पू पसंद है, क्योंकि ये हम इजी से कैरी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस पे 1000 लाइक आते हैं तो मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मेकअप कैसे करते हैं एयरब्रश का वो बताऊंगी। अगर इसमें वैसे कुछ छूट गए हैं तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।